हेलो व्यवर्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर तो साथियों आपका प्यार और विश्वास इतना मिल रहा है तो इसी कारण हम इतनी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए सबसे पहले आप हमारे ही चैनल पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ देख पाएंगे तो थंबनेल तो साथियों आपने देख लिया होगा और पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको वादा किया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल शेड्यूल आपको देने वाला हूँ जितने भी जो फरवरी माह के अंदर अलग अलग फेसिज होने हैं ग्यारह फेसिस तक आपका शेड्यूल जो है आ चुका है विद जो ट्रेड जिसमें शामिल होनी है वो सारी डिटेल आपको हम पूरी वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों कहीं बीच में ही छोड़ के चले जाओ फिर कमेंट करते फिर वो आप हमें कि सर हमारी ट्रेड का कब होगा कब होगा तो आपसे यही निवेदन है कि पूरा जरूर देखिएगा पूरा शेड्यूल आप समझिए पूरा वन बाय वन आपको बताने वाले किस फेस में किस तारीख होगा कौन सी ट्रेड उसमें शामिल होगी तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं और लगभग जो कॉमर्स जो पॉपुलर ट्रेड है उन सभी के एग्जामिनेशन फरवरी माह में होने वाले हैं तो साथियों अगर आपने हमें हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना है, तो फटाफट फट कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मेरे चैनल पर ही आपको मिलती रहे तो साथियों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा साथ में ऑल नोटिफिकेशन करके ताकि जब भी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास न्यूज पहुंच जाए तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दबाकर और बिल्कुल दिल खोल कर शेयर कीजिएगा क्योंकि ऐसी न्यूज़ आपको कहीं भी किसी चैनल पर नहीं मिलने वाली है हाँ ये हो सकता है कि मेरी वीडियो आने के बाद दूसरे चैनल पर भी आपको मिल जाए तो साथियों दिल थाप के बैठेगा आपको दिखाने जा रहे हैं जो शेड्यूल जारी किया गया है तो ये देख सकते हैं साथियों सताईस जनवरी को राजस्थान जो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है उनके द्वारा एक लेटर परीक्षा संबंधी सूचना जारी की गई है जो आपके बारे में परीक्षा के बारे में यहाँ पर कुछ बातें भी यहाँ पर बताई गई है तो कुछ जो मेन मेन बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि लगभग जो फिफ्थ फेज का जो है एग्जामिनेशन चल रहा है राजस्थान रह में जैसे कि अट्ठाईस सौ उनतीस को होने वाला है उसके बाद जो है अलग अलग चरणों में आपको जो है आगे भी फरवरी माह में एग्जाम होने वाले हैं तो इसमें यह बोला गया कि आगामी चरणों के विवरण और उनमें भाग लेने विद्यार्थियों की सूची भेजी गई है जिसमें परीक्षाओं में प्राय जो फीस जमा कराने के लिए परीक्षा दिवस से दो या तीन दिन पूर्व जो लिंक भेजा जाता है जिस दिन जिस चरण की परीक्षा की फीस जमा करवाने का लिंक राज्य निदेशालय को प्राप्त होगा उसी दिन आपको लिंक व जिन विद्यार्थियों की परीक्षा आनी है उस चरण में जो संभावित है उनकी जो है एक्सल सीट भी भेज दी जाएगी और उनकी फीस जमा करवाने की कार्रवाई करवानी है तो मेन यही बात ये बोली गई है कि यहाँ पर जो अब फरवरी में एग्जामिनेशन होने या अलग फेस के छः सात आठ नौ दस ग्यारह वाले के तो दो या तीन दिन पहले जो है आपका फीस पेमेंट लिख आएगा तो जैसे ही वो लिंक विभाग को मिल जाएगा तो वो लिंक सभी आई में भेज दिया जाएगा बाकायदा बच्चों की लिस्ट भी आएगी उस ट्रेड की जिन जिन बच्चों के एग्जाम होने हैं तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने बच्चों की जो फीस पेमेंट करवानी है और फीस ऑनलाइन होगी आपको पता ही है तीन सौ छिहत्तर रुपये तो यहाँ पर आप जो आगामी जो चरण आने हैं उसके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर बोला गया इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी जो है पूरी प्रॉपर तैयार कर लीजिए क्योंकि अब छह से ग्यारह तक जो चरण की जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा तो ऐसे ही जो यहाँ पर मैं आप दिखाने जा रहा हूँ डेट उसमें सेम रहेगी और जो है ट्रेड हो सकता है स्टेट वाइज कुछ अलग हो लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया गया लगभग आप सेम मान के ही चलिएगा थोड़ा बहुत आपका उन्नीस सिक्स यहाँ पर हो सकता है ये थोड़ा जूम कर देता हूँ तो देख लीजिए दो और तीन फरवरी को छठा चरण छठे फेज के एग्जाम होने हैं जिसमें कोपा इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक डीजल रहेगा जो छठा चरण है दो और तीन फरवरी को जिसमें एग्जाम होने हैं कोपा ट्रेड रहेगी इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक डीजल फिर सातवां जो चरण है वो पांच से छ फरवरी रहेगा उसमें आपके वेल्डर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक डीजल रहने वाली है तो ये सुन लीजिएगा छठे चरण में तो मैकेनिक डीजल ऐड हो रही है और सातवें चरण में वेल्डर ट्रेड और ऐड हो जाएगी वेल्डर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक डीजल इसी तरह आठवें चरण जो शुरू होगा नौ और दस फरवरी को होगा उसमें आपका वेल्डर पीटर इलेक्ट्रिशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर मैकेनिक आर एंड एस स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी एंड प्लम्बर ट्रेड तो ये काफ़ी ट्रेडें हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था आपने अगर सुना हो कि मैंने बोला था कि अगले चरणों में हो सकता है जो उसमें दिखाए थे मैंने ट्रेड्स उसमें बोला था कि ऐड होंगे आएगी तो ये देख लीजिए ऐड होकर ही आई है यहाँ पर तो देख सकते हैं जो नौवा चरण है बारह व तेरह फरवरी को रहेगा जिसमें वेल्डर फिटर इलेक्ट्रिशियन हेल्थ सैनिट्री ये जो ऊपर वाला शेड्यूल है सेम आठवें चरण वाला नौवें चरण में भी सेम ही आपके ट्रेड रहने वाले दोनों में इसी तरह आप दसवां जो चरण है वो सोलह व सत्रह फरवरी को रहेगा जिसमें वहीकल तो ये दो ट्रेडे यहाँ पर एड हो गई है अब वायरमैन भी आ गई इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल तो ये जो है दसवें तो दस चरण में होगा जो सोलह से सत्रह फरवरी को रहेगा इसी तरह ग्यारहवे जो चरण है उन्नीस बीस फरवरी को रहेगा जिसमे बेसिक कॉस्मोलॉजी सिविल ड्रेस मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्विटर मशीनिस्ट मोटर मैकेनिक व्हीकल स्विंग टेक्नोलॉजी टर्नर वायरमैन स्टेनोग्राफी जो हिंदी के पेपर होंगे तो ये जो ग्यारह चरण तक के छह से लेकर ग्यारह चरण का पूरा विवरण मैंने आपको दे दिया है अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बेहतर तरीका ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर ये आपको पी आसानी से मिल जाएगी ताकि वहाँ पर आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकें इस लेटर को जिसमें जो जो ट्रेड दी गई किस चरण में होना है और एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट है ये लगभग सेम ही रहने वाली है हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कोई एक दो ट्रेड ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मेन आपका काम यही है कि आप इसमें देख लीजिए किस चरण में आपकी कौन सी ट्रेड आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी आई से संपर्क में लगाता रहिएगा क्योंकि जो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसका लिंक आपका सेफ डी एग्ज़ाम फीस का आपको आई को आएगा वहाँ से आपको आपके टीचर के द्वारा बोला जाएगा और जो लिस्ट वगैरह जारी की जा रही है उनके जी आप चक्करों में ज़्यादा ना पड़ी क्योंकि लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है और उसमें आधे रोल नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो आपकी आई टी में ही आपकी लिस्ट आ जाएगी वहाँ से ही आपको संपर्क कीजिएगा वहीं से ही आपको हॉल टिकट वगैरह सब कुछ वहीं से मिलने वाला है तो अपनी आई के संपर्क में अपने क्लास टीचर के संपर्क में रहिएगा तो ये साथियों ऐसी बातें कोई भी नहीं बताएगा आपको ये मैं बोल दे रहा हूँ तो इस बात को याद रखिएगा क्योंकि मैं खुद आई टी टीचर हूँ तो मेरे को पता है कि स्टूडेंट को कितना सफ़र होना पड़ रहा है काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सर हमें बताइए क्या करें हम हमारा फीस डाउनलोड जो फीस भर दी है हाल टिकट नहीं डाउनलोड हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे फ़ोन भी आए मेरे पास तो मैंने यही बताया कि आप अपने आईटी के संपर्क में रहिएगा क्योंकि हॉल टिकट आपके आईटी से ही मिलना है फीस पेमेंट लिंक हो, वो आपको भरना है लेकिन अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन आपके आई के द्वारा ही किया जाएगा क्योंकि जो भी कोई लिंक अगर आपका बाई द वे फीस कट जाती है आपका तो उसका कंफर्मेशन नहीं आता है तो उसके रिगार्डिंग भी आई से ही सोल्यूशन हो पाएगा तो ये छोटी छोटी बातें साथ जो मैं बता रहा हूँ कोई भी आपको नहीं बताएगा तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिएगा छोटे से छोटी आपकी कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी सभी जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ तो साथ ही चैनल पर आपने विश्वास जो हमारे साथ बनाया है तो मैं भी पूरा सौ कर... परसेंट उसको पूरा करता हूँ अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो साथियों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा तो साथियों अपना प्यार बनाए रखिएगा बस इतना सा ही मेरा काम कीजिएगा कि अपने आई के जू जो, जो दूसरे आपके सहपाठी हैं छात्र हैं उनको भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कराएँ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर सही व सटीक जानकारी ले सके और बिल्कुल एक्यूरेट खबर ही मैं आपको देता हूँ और आगे भी आपको मिलती रहेंगी चाहे आप आई पास आउट भी कर लेंगे तो भी जो लेटेस्ट अपडेट आपके रिगार्डिंग होगी वो भी आपको आगे मिलती रहेगी तो बस यही निवेदन है कि अपना प्यार बनाए रखें यूट्यूब परिवार को साथियों जैसे दूसरे चैनल को भी आप साथ जुड़े हुए हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा बस इतना ही आप हम पर जो है अपनी कृपा बनाए रखें तो साथियों अगर आप हैं तो मैं हूँ तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके एग्जाम की तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेगा जय हिंद साथियों